हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जीरोडा के कैट एप्लीकेशन से अपना मनी विड्रॉ कैसे करना है, जिसमें दोस्तों कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका मनी विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको मनी विड्रॉ कब होगा और कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप काइट एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो इस इंटरफेस में यहाँ पास हमें प्रोफाइल वाला आइकॉन में क्लिक करके चले जाना है। प्रोफाइल वाला आइकॉन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन फंड का शो हो रहा है। तो यहाँ पास हम फंड में क्लिक कर लेते हैं। फंड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप देखेंगे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस, फंड में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस 581.50 हो रहा है, जिसमें दोस्तों मैंने भी ट्रेडिंग किया था तो मुझे 2.5 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि हमारा यूज्ड मार्जिन में लिखा हुआ है। मतलब कि हमारा 2.5 रुपये का लॉस अभी हुआ है। अब 2.5 रुपये का लॉस होने के बाद हमारे पास अवेलेबल कैश बचा हुआ है 579 रुपया बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं यूँ कहूँ तो हमारा सेटलमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी अगर आप विड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि आपका मनी विड्रॉ नहीं होगा। तो दोस्तों आपका यूज्ड मार्जिन जब 0 होगा, यानी कि कल तक सेटलमेंट होने के बाद मेरा यूज्ड मार्जिन जब 0 होगा, तो आप पूरा का पूरा बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर अभी मैं विड्रॉ करने जाऊंगा तो हो सकता है पूरा का पूरा बैलेंस विड्रॉ नहीं हो सकता है कुछ ही बैलेंस विड्रॉ होगा। तो दोस्तों यूज्ड मार्जिन 0 होने के बाद यहाँ पास आपको विड्रॉ करके ब्लू वाले बटन में क्लिक कर लेना है। विड्रॉ वाले ब्लू बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जो कि आप देख सकते हैं इक्विटी में हमारा क्लोजिंग बैलेंस 581.40 हो रहा है। तो यहाँ पास हमें अमाउंट विड्रॉ वाले डिब्बे में क्लिक करके हमें अमाउंट डाल लेना है कि हम कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं पूरा अमाउंट विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पास 581 रुपया डाल लेते हैं। 581 रुपये डालने के बाद यहाँ पास आप कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पास हम नीचे कंफर्म वाले बटन में क्लिक कर देते हैं। कंफर्म वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा विड्रॉ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पास पेंडिंग सो हो रहा है। और यहाँ पास डेट और टाइम लिखा हुआ है कि कितने टाइम तक हमारा फंड विड्रॉ हो जाएगा हमारे अकाउंट में। और अगर आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप कैंसिल रिक्वेस्ट में क्लिक करके उस विड्रॉ को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है फंड को विड्रॉ करना, लेकिन आपको पूरा सेटलमेंट होने के बाद ही फंड को विड्रॉ करना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि विड्रॉ होता नहीं है और आप टेंशन में आ जाते हैं कि विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पूरा सेटलमेंट होने के बाद सिंपली ये प्रोसेस करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। यहाँ पास जो भी टाइम और डेट लिखा हुआ है उसमें आपका फंड विड्रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों इतना सिंपल है फंड को विड्रॉ करना। और अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।